हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने छोटे बेटे को लेकर आई थी नाई की दुकान पर, और ये देखिए किस तरीके से बुरी तरह से इसने रो रो के मचा दिया था बुरा हाल, क्योंकि इसे बाल कटवाने ही नहीं थे। पर मैं भी इसकी माँ हूँ, मैंने इसे पकड़ा ज़बरदस्ती और बिठा दिया कुर्सी पर और लगा दिया अंकल को इसके बाल काटने के लिए। देखिए इसका मुँह पकड़ना पड़ रहा है क्योंकि बार बार अपना फेस हिला रहा था, बस ये कटवा ही नहीं रहा था। बोल रहा मम्मा घर चलो घर चलो घर चलो, पर मैं भी इसे पकड़ के बैठी ही रही। फिर मैंने इसके बाल कटवाए और फिर ये एक कभी इधर से उधर कभी उधर से उधर, क्योंकि ये कटवाने को राजी नहीं था। इसके बाल हो गए थे इतने बड़े बड़े कि लगते थे बहुत कि दो चोटी बना सकूं पर फिर क्या ही था, भी मैंने सोचा भाई आज तो कटवा ही देती हूँ इसके बाल, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से बोल रही थी पर इसे कोई लेकर ही नहीं जा रहा था। आज मैं खुद ही लेकर आ गई इसको नाई की दुकान पर और मैंने इसके बाल कटवाने शुरू कर दिए। पर ये लड़का भी है ना बहुत जिद्दी है, कटवाने को राजी नहीं है। देखो हाथ पैर मार रहा है, बस कब सोच रहा है कि कब मैं निकल के यहाँ से भागूँ। फिर मैं भी क्या थी, अब इसके बाल आधे से ज़्यादा तो कट चुके थे, बस थोड़ी सी फिनिशिंग रह गई थी, उसी में लग रहा था थोड़ा टाइम। और अंकल से बोल रही थी कि अंकल आप इसको जल्दी से फ्री करो। अंकल कहने लगे कि, और ये करे जा रहा था कि दादू माँ जी, बस इसको तो दादू माँ जी याद आ रहे थे। फिर क्या था, मैं इसके बालों को इसको मुंह को पकड़ के खड़ी रही और अंकल करते रहे इसके बालों की फिनिशिंग। फिर क्या था, बाल वाल कट चुके थे, बस थोड़ी सी रह गई थी। पर ये लड़का फिर भी मम्मा घर 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 चलो घर चलो घर चलो। देखिए कितना बुरा हाल कर लिया था इसने, रो रो के इसकी नाक तक बह चुकी थी, आंखों में आंसू थे। बस फिर क्या था, थोड़ा सा और रह गया इसका टचअप करने के लिए। हम बोले थे अंकल बस छोड़ ही दो, पर अंकल भी कहाँ मानने वाले थे, वो भी करने लगे, कहने लगे बस थोड़ा सा रह गया बस थोड़ा सा रह गया, क्योंकि इस लड़के ने रो रो के तो इतना बुरा हाल मचाए रखा था। देखिए कैसे भागने को तैयार बैठा है, बस सोच रहा है कैसे मैं भागूँ यहाँ से जल्दी जल्दी। मुझे तो इसका मुंह पकड़ के रखना पड़ा कभी इसके लग ना जाए कैची वैची इधर से उधर। बस फिर क्या था, इसके बाल हो चुके थे थोड़े बहुत, और ये भी अंकल भी ना छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे इसको बस क्या है तो करने लगे फिनिशिंग और बोल रहे थे देख तेरी मम्मा ने तेरे कैसे बाल काट रखे हैं, अब इनको मैं सही करता हूँ। वो क्या है ना कि पहले नाई की दुकान पे ले जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़े ही खुद ही काट कर देखती हूँ इसके बाल की कैसा लग रहा है, पर मुझसे कटे नहीं और ये जाने को तैयार नहीं था, तो फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती लेकर ही चली गई। अरे अंकल बस छोड़ दो भाई, बच्चे की जान लोगे क्या, ये भी मान ही नहीं थे। एक आंटी थी पीछे से बैठी थी, बोल रही थी कि बस करो अंकल बस करो, रो रहा है वो बहुत। पर हम अंकल भी कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने भी ठान लिया था कि आज इसको मैं हीरो बनाकर ही छोड़ूंगा। बस फिर क्या था, लग गए वो अपने काम पर और मैंने इनको उसको लगाया, उन्होंने पाउडर वाउडर और कर देखने लगे कि कुछ रह तो नहीं गए हैं। पर अंकल ने देखा कि थोड़े से बाल रह गए, लेकिन ये करने वाले को राजी ही नहीं था। फिर क्या था, फिर उन्होंने थोड़ी सी मारनी चाहिए मशीन, लेकिन इसने लगवाई ही नहीं और अंकल ने बोला चल भाई ठीक है अब मैं हार मानता हूँ, अब तू जा सकता है अपने घर। फिर क्या था, फिर मैंने इसको लिया और मैं चल पड़ी घर की तरफ। पर ये है अभी तो लगे ही पड़े हैं भाई, क्या करें। फिर मैंने इसको लिया और मैं इसको घर लेके गई, मैंने इसके नाक साफ़ की, मैंने इसका फेस वेस साफ़ किया और मैं लेकर इसको चली गई। और फिर मैंने इसको घर पर ले जाकर नहलाया धुलाया, फिर घर पर ले जाकर नहला धुलाकर इसको बनाए हीरो और कपड़े वपड़े पहनाए, और ये अभी बाल 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 मेरे बाल करे जा रहा था क्योंकि ये रो रो कर थक चुका था। फिर कहने लगा मम्मा मेरी शर्ट सही कर दो, मैंने इसकी शर्ट सी किया, बोला मम्मा थैंक यू। फिर मैंने इसको कपड़े पहनाए और ये हो गया खुश। देखिए अभी आपको स्माइल करके दिखाएगा, ये काकू ने कर ली स्माइल और फिर मैं इसको टी शर्ट पहनाने लगी तो फिर से रोने लग गया। पर मैंने बोला बेटा पहन ले ठंड है, फिर इसने पहन लिए और फिर थोड़ी देर बाद ही चीनू भी आ गया था हमारा। फिर मैंने और चीनू ने हमने बनाया पास्ता, ये था क्रीमी पास्ता, और हमने इसको बड़े मज़े से खाया। मैंने चीनू से पूछा कैसा बनाया था, चीनू बोला मम्मा बहुत टेस्टी है। काकू ने भी टेस्ट किया, वो कहने लगा मम्मा यम्मी है, पर उसको मिर्ची लगने लग गई। फिर मैंने खा के देखा तो मुझे भी टेस्टी लगा, और फिर मैंने कुक्कू से पूछा कुक्कू कैसा लग रहा है, तो कुक्कू बोलने लगा मम्मा यम्मी यम्मी है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।